इसमें हमने हमको इंडिकेट करता रहेगा। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज हम लोग बताने वाले हैं न्यू स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक्ट के बारे में। तो मैं आया हूँ आज आपके लिए प्रशांति ऑटोमोबाइल्स पे। तो आप लोग जैसे कि कमेंट करके बोल लेते कि इसके बारे में बताइए, तो आज हमारे साथ हैं मुनिंदर सर जो इसके बारे में बताएंगे। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, तो आप इसके बारे में बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों लेनी चाहिए लोगों को। तो आप स्टार्टिंग आगे से ही करिए। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। हेलो सर, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा जी। मेरा नाम मुनिंदर है और मैं यहाँ पे एज ए शोरूम मैनेजर हूँ जी। आज हमारा हीरो का नया प्रोडक्ट स्प्लेंडर प्लस नया लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। स्प्लेंडर प्लस हीरो का एक सबसे भरोसेमंद प्रोडक्ट है, जिसको सालों से लोग चला रहे हैं और एक भरोसा है जो बना हुआ, उस भरोसे के साथ लोग चला रहे हैं। लेकिन जैसा कि समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ साथ चीज़ें टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हीरो ने एक नया मॉडल लॉन्च करा है स्प्लेंडर में, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक्ट, जिसमें हम आपको कुछ बेहतरीन फीचर्स के साथ इसमें हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। जो नई चीज़ें इसमें कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी हैं, नए फीचर्स हैं, तो उसके बारे में हम आगे से बताना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम इसके फ्रंट व्यू के बारे में बात करेंगे। तो फ्रंट व्यू में इसमें हमने आपको दे रखी है LED हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप, जो कि गाड़ी को एक स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करा रही है जी। जो आप देख रहे हैं LED लाइट, अलग से लाइट बढ़ाई गई है इस मॉडल में। हैलोजन लैम्प तो आता ही है ऐसे स्प्लेंडर में, वो इसी में आपका हैलोजन लैम्प दे रखा है। बट ये LED जो हेड लैम्प है, इसको इसमें बढ़ाया गया है, साथ में ग्राफिक्स स्टिकर दे दिया है, ये गाड़ी का और स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करेगा, विजिबिलिटी भी बढ़ा देगा। हाँ, ये विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप इसको बोलते हैं, जो हमने इसमें दे रखा है। अब इसमें फ्रंट सस्पेंशन की हम बात करें, फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं। बेहतर राइडिंग के लिए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अच्छा माना ही जाता है, जैसे सभी जानते ही हैं। ट्यूबलेस टायर हमने आपका दे रखा है 16 इंच का। हाँ, 2/75/18 आपके टायर है इसमें, 18 इंच का अलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर के साथ आपका आता है। कंफर्ट जिसमें आपको मिलेगा, सेफ्टी फीचर आपका दे रखा है इसमें आपका। इसके अलावा गाड़ी में स्टाइलिश लुक देने के लिए 3D एम्बलम दे रखा है हमने, 3D एम्बलम विद न्यू ग्राफिक्स। अब आप देख रहे होंगे इसमें जो ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स काफ़ी चेंज कर दिए हैं। हीरो को जो ब्रांडिंग एम्बलम है 3D में दे रखा है, जो पहले हमारा स्टिकर्स में आता था, इसको हमने अभी 3D में दे रखा है। साथ में एक्सटेक की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको साइड कवर पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको एक्सटेक की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि गाड़ी को एक स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करा रहा है जी। साथ में इसकी सीट भी है, सीट में भी हमने कुछ चेंजेस करे हैं। ड्यूल टेक्सचर में इसमें सीट दे रखी है, जो पहले की स्प्लेंडर प्लस आप देखते हैं तो उसमें आपको सिंगल टेक्सचर में आपकी सीट मिलती है, इसमें हमने आपको ड्यूल टेक्सचर में इसमें सीट आपको अवेलेबल करा रखी है। आपका सेम ही है, 100cc पावरफुल इंजन आपका आ रहा है विद एक्सेंस टेक्नोलॉजी के साथ। एक्सेंस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, जिससे हम आपको ईजी कोल्ड स्टार्ट मिलता है, सर्दियों में आपको चोक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाई माइलेज आपको मिलेगा कार्बोरेटर गाड़ी के मुकाबले, इसमें आपको माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा, पिकअप भी आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि एक बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी एक्सेंस टेक्नोलॉजी के FI इंजन के साथ आपको। टॉप व्यू की बात करें, जो मेजर चेंजेस करा गया है इसमें आपको स्पीडोमीटर, यानी कि इसमें फर्स्ट टाइम इस सेगमेंट में हमने फुली डिजिटल मीटर कंसोल दे रखा है, जो कि बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, जिसका मैं इग्निशन ऑन करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आपको इसका जो सबसे बेहतरीन पहला फीचर आपको देखने को मिलेगा, हेलो वेलकम मैसेज इसमें आएगा, जो आप अपने नाम के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे राम लिख के आ रहा है। हाँ, इसको हमने जैसे कस्टमाइज कर दिया राम, मेरा नाम मुनिंदर है, अगर मेरी बाइक है, अगर मैं इसमें अपना नाम डालना चाहूँ तो आप कस्टमाइज करके डाल सकता हूँ, सो दैट जब भी मैं इग्निशन ऑन करूँगा हेलो मुनिंदर लिख के इसमें आएगा, तो यानी कि एक अच्छा लुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। एक सेफ्टी भी है, अगर बाइक चोर उड़ जाती है तो नाम आ जाएगा। हाँ, एक वो तो चीज़ है ही। इसके अलावा एक लुक को काफ़ी, बाकी देख रहे होंगे काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रखा है, सारे इसमें जो लाइट्स वगैरह हैं इसमें सारी LED लाइट्स दे रखी हैं, जो हर एक चीज़ के लिए इसमें इंडिकेट कर रही हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो फ्यूल इंडिकेशन लैंप यहाँ पे दे रखा है आपका, अगर फ्यूल लो होता आपको आपको इंडिकेट करेगा, न्यूट्रल लाइट का इंडिकेशन तो आपका है ही, इंजन चेकअप लैंप आपका है ही, टर्न सिग्नल लैंप है आपका, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा आपका, हाई बीम लो बीम आपका वो भी आपको दिख जाएगा। बाकी मैंने एक चीज़ और सुनी है कि इसे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो मैं इसके बारे में बताना जा रहा हूँ, वो जो कि सबसे एडवांस फीचर है इस बाइक का, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आप अपने स्मार्टफोन को ब्लूटूथ के माध्यम से इस बाइक से कनेक्ट कर सकते हो। आपके फ़ोन पर जो भी SMS और कॉल का अलर्ट्स आएंगे वो आपके बाइक के डिजिटल मीटर पर शो करेंगे, यानी कि आप राइड पर जा रहे हो, अब आपको रुक रुक के फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन पर डिस्प्ले पर जो भी आपका बंदा फ़ोन कर रहा है उसका नाम यहाँ पे शो हो के आ जाएगा, कोई कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, देन वो अननोन नंबर यहाँ पे लिख के शो हो के आ जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट है तो रुकिए, नहीं तो आप अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। एक बहुत ही
अच्छा, स्मार्ट एक अच्छा फीचर दे रखा है, बहुत सुविधाजनक फीचर दे रखा है। मैंने ऐसा कोई देखा नहीं और गाड़ी में। हाँ भाई, एक इस सेगमेंट में तो नहीं है, जो टॉप महंगी बाइक्स आती हैं, प्रीमियम बाइक्स आती हैं, उनमें फीचर दे रखा है, बट एंट्री सेगमेंट में जो स्प्लेंडर प्लस बाइक में पहली बाइक होगी जो एंट्री सेगमेंट में इतना तगड़ा फीचर इसमें दे रखा है हमने। साथ ही आपको फ़ोन की डिस्प्ले इसमें इस बैटरी सेल का भी आपके यहाँ पे शो करेगा इंडिकेशन कि बैटरी फ़ोन में कितनी है, वो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। इसके साथ एक और सबसे ज़बरदस्त फीचर इसमें दे रखा है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर दे रखा है। अच्छा, आपकी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, जनरली हमें फ्यूल टैंक में जब फिल कराते हैं आफ्टर दैट कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है कि गाड़ी ने क्या माइलेज निकाला। यहाँ पे आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल रहा है जो आपको इंडिकेट करके बताएगा कि हमारी गाड़ी अभी क्या माइलेज दे रही है। दूसरा एक सबसे प्लस पॉइंट इसमें हमने दे रखा है कि अभी तक आपने देखा होगा स्प्लेंडर प्लस जो वाली बाइक आती थी उसमें स्पीडोमीटर की वायर होती थी फ्रंट व्हील से कनेक्टेड, इसका मतलब आपका स्पीडोमीटर वायर अगर ब्रेक हो गया तो आपका मीटर चलना बंद कर देता था और अगला पहिए चलने पर स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको स्पीड बताता था। इसमें हमने सेंसर के थ्रू इसका जो स्पीडोमीटर है पिछले पहिए से कनेक्ट कर दिया है। आप जो बायर है, बायर के बार बार टूटने की जो समस्या होती थी वो भी ख़त्म हो गई। दूसरा इसमें आप इसको स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं गियर डालता हूँ, आपको गाड़ी स्टैंड पे खड़ी हुई है यहीं से आपको दिखा दूँगा इसमें स्पीड जो आ रही है, ये देखिए स्पीड होने पानी जो हमारी गाड़ी की स्पीड है जब डिजिटल में बताती हूँ, एक थ्रिल अलग सा ही थ्रिल हमें मिलता है जब हम इसमें डिजिटल में हम देखते हैं इस टाइप से। साथ में आप देख रहे हो कि जो माइलेज भी इंडिकेट कर रहा है, अभी हम सेकेंड गियर में बाइक चला रहे हैं और स्पीड भी हमने कहा अभी आपका बदलता रहेगा, मतलब हर टाइम पे पाँच पाँच छः छः सेकेंड के टाइम पे यह बदलता रहेगा, आपका जो भी माइलेज आएगा यहाँ पे हमको इंडिकेट करता रहेगा। तो सारे बेहतरीन फीचर के साथ ये नए ज़माने की नई बाइक बन के आई है जो आज की जो यूथ है, जनरेशन है, सभी को पसंद आएगी। माइलेज दिखा रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करके दिखाऊं, वो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को प्यार दे दो पहले। हाँ, इसके साथ एक और फीचर इसमें मैं इसको बताना चाहूँगा, इसमें मल्टीपल ट्रिपल सॉरी ट्रिप ट्रिप्स दे रखे हैं, मतलब जनरली सिंगल ट्रिप आता है, इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी भी दे रखा है, यानी आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से भी इसमें ट्रिप सेट कर सकते हो। मैं कार में करता हूँ ट्रिप ए रखता हूँ, हाँ सर्विस करानी होती है उस टाइम लगा दी, बिल्कुल बिल्कुल कराई थी, हाँ ट्रिप बी रखता हूँ कि मैं कहाँ गया उसके हिसाब से इसमें भी आप ट्रिप लगा सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स में दे रखा है। यूज करता हूँ, आप लोग वैसे ही करना, ट्रिप ए रखना जब आपने सर्विस कराई है उस दिन लगाना, और ट्रिप बी को जब आप जाते हो माइलेज चेक करने के लिए। और एक ज़बरदस्त फीचर इसमें साइड स्टैंड का, साइड स्टैंड को इसमें दो जगह से हमने कैप्चर करा है, एक तो इंडिकेशन के थ्रू हम यहाँ पे साइड स्टैंड अगर हमारा इंगेज है आपको साइड स्टैंड का यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक करेगा। दूसरा एक सेफ्टी फीचर इसमें दे रखा है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर दे रखा है। इसमें होता क्या है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट है, साइड स्टैंड लगा हुआ है, जैसे हम गियर डालते हैं, गियर डालते ही आपकी गाड़ी का इंजन है ऑटो कट हो जाएगा। जनरली जो साइड स्टैंड की समस्या आती है तो उससे यहाँ पे निजात मिल रही है, अगर साइड स्टैंड लगा हुआ हमारी गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर है कि कोई भी हाँ स्पीड ब्रेकर पे अक्सर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर हिट होने दिया इसमें। सेम व्हील ही है, सेम टायर है आपका, 18 इंच का अलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर है आपका, और सस्पेंशन आपका हाइड्रोलिक सस्पेंशन हमने दे रखे हैं पिछले, अगला टेलीस्कोपी हो गया, पिछला आपका हाइड्रोलिक सस्पेंशन दे रखा है हमने। बाकी बैक में सेम ही है, जैसे बैक में जो पहले गाड़ी आती है उसी टाइप से सेम ही है, बैक से इसमें कोई चेंजेस नहीं करा गया है। बाकी साइलेंसर भी सेम है, मफलर वगैरह भी, जो मेजर चेंजेस करे गए मैं वो एक बार दोबारा काउंट करा देता हूँ। फर्स्ट तो चेंजेस यही करा गया है इसमें, LED हेडलैम्प थे, पोजिशन लैम्प दे रखा है फ्रंट में। दूसरा फुली डिजिटल मीटर कर दिया है, और स्पीडोमीटर को आपको पिछले व्हील से कनेक्ट कर रखा है अगले व्हील के से हटा के। दूसरा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमने आपको दे रखी है। सीट में हमने चेंजेस करे हैं, ड्यूल टेक्सचर सीट दे रखी है। ग्राफिक्स चेंजेस करे हैं, ग्राफिक्स में हमने न्यू ग्राफिक्स के साथ 3D एम्बलम्स में दे रखा है। तो ये सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी में पुरानी स्प्लेंडर के मुकाबले इसमें जो चेंजेस करे गए। इंजन कैपेसिटी 100 cc ही है आपकी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.8 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसमें। बाकी अगर हम इसके प्राइस की बात करें, एक्सोरूम प्राइस की मैं बात करूं तो स्प्लेंडर प्लस का पीलीबीत में एक्सोरूम प्राइस है 73,140 रुपये, प्रशांति ऑटो मोबाइल पे 73,000। हाँ जी, तो यहाँ के अभी मैं आपको प्राइस वाइज से पूछवाता हूँ, एक्स शोरूम और
कंप्लीट कितने की हाँ, तो आप बताएंगे 73,140 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आरटीओ इंश्योरेंस तीन चीज़ों पर अगर हम बात करें तो 87,700 रुपये की गाड़ी आपको पड़ती है, उसमें आपकी एक्सेसरीज है, हेलमेट वो आपका अलग का पार्ट होगा, एक्सेसरीज कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से लगवा सकता है। तो हर जगह अलग अलग रेट होते हैं एक्स शोरूम का। हाँ जी, तो जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा, इसके साथ आपको कोई कस्टमर बाइक परचेज करता है तो उसमें आपको मिलता है हीरो का भरोसा, 5 साल की वारंटी, हाई रिसेल वैल्यू, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है पिछले 22 सालों से, उससे एक ट्रस्ट ऑफ वैल्यू, ट्रस्ट ऑफ ब्रांड डेवलप होती है कि लगातार पिछले 22 सालों से एक नंबर वन ब्रांड है। कस्टमर की सुविधा के लिए 8,000 से ज़्यादा सर्विस टच पॉइंट है, आप कहीं भी हैं गांव में या देहात में कहीं पे, आपको हर जगह सर्विस टच पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हर खोके में भी अगर आपको पहली बार तो ख़राब नहीं होती, कहीं भी खराब हो खोके पे भी ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, 5 साल की हम वारंटी दे रहे हैं, खोके पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर जैसे रास्ता में कहीं ख़राब हो जाती है, कॉल वॉल करके कोई कहें? हाँ, उसके लिए भी हमने हमारा एक रोड साइड असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसके थ्रू अगर कस्टमर वो ऑप्ट करता है, इन दैट केस कस्टमर उस नंबर पर कॉल करके कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है उसको ब्रेक डाउन कंडीशन में, वो उस पर कॉल करके हमें बता सकता है, उसकी गाड़ी वहाँ से पिक होके आ जाएगी उसके विदाउट एनी कॉस्ट। चलो ठीक है, तो सारी चीज़ें बताई दी हैं, तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और लोगों में शेयर कर देना, और मैं अगली वीडियो में इसके टॉप 5 बताने वाला हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो ठीक है, बाय।